ये सर टाइटल में लिखना ठीक रहेगा? सर देखिए, सेंटेंस को टाइटल में मत लिखिए। टाइटल अच्छा होता है आपकी विजिबिलिटी को दिखाने का एक तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड को देखते हैं, तो क्या मेन्यू कार्ड पे जो सबसे ऊपर नाम लिखा रहता है वो एक सेंटेंस होता है क्या? नो नहीं ना। वो सर, कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए या तो उसका नाम बड़ा अजीब सा होता है, खपरा ढोकला कुछ भी दे दिया आपने, है यस ना, सर, यस सर, तो वो एक लाइन नहीं है। ये टाइटल कहीं ना कहीं आपका एक, आप ये मान के चलिए टाइटल आपका मेन्यू कार्ड के ऊपर आपको दर्शा रहा है, ओके, ठीक है ठीक सर है? जी। तो कुछ इसी तरीके से आप टाइटल को लेके चलें सर। वहां अगर सेंटेंस लिखेंगे तो आपके लिए स्पेस की कमी हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस में इज आर दी फोनेटिक्स यूज करना है आपको, ग्रामेटिकली उसका सही होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें स्पेस बिना बात के खराब हो जाएगा ना सर आपका। तो इसीलिए सेंटेंस नहीं लिखे, लेकिन कीवर्ड्स को लिखे। और तो इस कीवर्ड पहले लिखने से पहले हमेशा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें सर। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है। कॉम्पिटिटिव यस, एनालिसिस करें, उसके बाद समझ में आएगा कैसे चल रहा है, ठीक ठीक है सर है? जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन सर? नो नहीं सर, चलिए बहुत बढ़िया। हमारे साथ लेवन लेनेवो से कोई ज्वाइन है सर। लेनेवो जो भी हैं प्लीज अपना नाम बता दें सर। लेनेवो सर, लेनेवो से कौन ज्वाइन है? आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? सर लेनेवो से जो भी ज्वाइन कर चुके हैं वो प्लीज अपना नाम बता दीजिए सर। चलिए हम आगे सामने कंटिन्यू करते हैं। जी सर, निशित जी को बोल रहे हैं आप। दिख तो रहे लेकिन अब बोल नहीं रहे। जी शायद वो सुन पा रहे हैं, उनके माइक में कोई इश्यू होगा। सतीश जी आप उनको कॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू होगा उनके माइक में तो। सर मैं वेव कर रहा हूँ, अगर आप मुस्कुराएंगे तो इसका मतलब आप मेरे को सुन पा रहे हैं। थैंक यू। चलिए आप सतीश जी को कॉल कर सकते हैं, शायद आपके माइक में कोई इश्यू है, आप उस चीज को चेक करवा लीजिए सर। चलिए निशित सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया हो सर, कल की क्लास सर मिस कर गया थोड़ा। सर कोई बात नहीं, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेटरी और थोड़ा अच्छी चीज बताई थी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि सर होता क्या है कि सर कल की जो क्लास थी उस क्लास में हमने फ्रीलांसिंग के ऊपर काफी बात की है, कि एक फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट कैसे उठाएंगे आप। हाँ, अभी शुरुआत की सर रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, मतलब देखी थी, कंप्लीट नहीं देख पाया था। फ्री लॉन्चिंग का डिस्कशन था शुरुआत का, मैंने बीच सर में। उसमें सिर्फ हमने ये कवर किया है कि एक फ्रीलांसिंग में जब आप कस्टमर को प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखें, आपके जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में क्या क्या आप बनाएंगे, हमने ये चीज उसमें कवर की है। हाँ, वो मैंने देखा सर कि किस तरह से जीटी मैट्रिक्स को आपने एक्सप्लेन करा था जी क्लास में, और उसके अलावा जो है वेबसाइट पे उनकी क्या कमियां हैं जिसको लेके हम क्लाइंट के पास जाएंगे। मेरे ख्याल से उसमें आप माहिर हैं सर, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा निशित सर, अगर आप इस बिजनेस में उतरना चाह रहे हैं, अपनी टीम को इस बिजनेस के लिए रेडी करना चाह रहे हैं, तो अपनी टीम को सबसे पहले वेबसाइट के कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सिखाइए। और आपको खुद पता है सर, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना आ गया तो आप एसईओ के माहिर हो गए। जी बिल्कुल सर, ये मैं जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मैं उसी पे ट्राई कर रहा हूँ सर। मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा था व्हाट्सएप पे और जी मैसेज बिल्कुल सर, मैंने देखा है सर उसे। सर पे। मेरे ठीक रिव्यूज बहुत है, पॉजिटिव हैं उसको लेके, और आप अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर अभी कंटेंट वर्क बहुत करना है उस पे जो कंटेंट मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं अगर कहूं कि आप कहीं ना कहीं सर 80-90% के आसपास हैं, कंटेंट को थोड़ा सा आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। कहाँ। एक्चुअली नहीं सर सर, टाइम बहुत लग रहा है ना, धीरे धीरे मैं उसको रिवाइज भी कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। मैं इसी चीज पे भी आने वाला था सर। करना क्या चाहिए कि आप एक पेज पे काम कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरे पेज पे चलिए, तो ऐसे ही सर, लेकिन आपको मजा। आप 3 पेजेस में, एक तो फ्रंट पेज पे, मैंने होम पेज पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया है। परसों जी की डेट में जब आपने बैनर कहा था तो मैंने बैनर को बहुत प्रॉपरली सेट किया था और फ्रंट पेज पे थोड़ा सा काम किया था, जी जी और बाकी मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर 2 पेज पे मैंने काम किया हुआ अभी। बहुत बढ़िया सर, इसमें अच्छा मैं है ना, आप डिफिकल्ट कर काम करते रहे, बहुत बहुत अच्छा है। चलिए सुजीत सर, कैसे हैं सर आप? रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन सर लेकिन उसमें आ रहे थे, क्या कहते हैं सर, अच्छा जैसे मैं पूरी स्क्रीन को एक जैसा रखना चाहता हूँ, ठीक जैसे है मान लीजिए मैंने कोई बड़ा सा वॉलपेपर बहुत ग्राफिक देके करा है जिसका लगभग ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, अब जी, नीचे के बैकग्राउंड को मैं सेम टू सेम मैच कराना चाहता हूँ,
ठीक है, इस तरह ये सब चीज की। पे, क्योंकि हमारा हमारा जो सिलेबस है लगभग पूरा ही है, तो आप डिस्कशन ही चलेंगे तो आते हैं उसी चीज को उठाते हैं सर। आज वैसे मैं आप लोगों को फेसबुक एड मैनेजर समझाने वाला हूँ, आज मैं फेसबुक के बारे में काफी ज्यादा बात करूंगा, तो हम वो भी देखेंगे और फिर इस पे भी आ जाएंगे सर। चलिए आगे चलते हैं। सुजीत सर कैसे हैं? यस सर, बढ़िया सर। सर क्या चल रहा है? कुछ इम्प्रूवमेंट है? कुछ काम चल रहा है? कुछ प्रोजेक्ट जो आप जो आपका जो प्रोजेक्ट अभी नया क्लाइंट आपके पास आया है, कुछ रोकड़ा वोकड़ा उससे उठाया कि कुछ ऐसी है अभी? नहीं सर, वो एक्चुअली क्लाइंट नहीं है, वो रिलेटिव एक है। और मतलब उन्होंने ही बोला था मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, जी तो सर, अभी तो तो सर 5 रुपए वाली कीमत याद रखिएगा, अगर किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने रिश्तेदार का भी, तो 5 रुपए जरूर ले लीजिएगा। यस सर, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं उनके इस पे, देखते जी नहीं, डेफिनेटली सर सर, अगर आप लोगों आगे। को कोर्स अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप किसी दूसरे को रेफर कर सकते हैं, 100% रेफर कीजिए सर। हम अपना यस 100% आउटपुट यहाँ देते हैं। अगर किसी दूसरे को भी अगर समझाने की आप कोशिश कर पाए तो बहुत अच्छी जगह है सर ये। यस सर, चलिए आगे चलते हैं। धर्मेंद्र जी कैसे हैं? सर ठीक सर। आवाज में दम नहीं लग रहा? लगता कैसे जा रहे हैं? थके हुए? गर्मी बहुत पड़ रहा है वहां। क्या बॉम्बे में गर्मी है? अच्छा नहीं सर, नहीं ठीक है। इधर लखनऊ में तो बहुत गर्मी। इनफैक्ट कल मैं काफी थका हुआ आया था, तो जी 8 बजे मैंने आपको मैसेज किया था भाई शाम के टाइम, क्लास का जी वेट करने के चक्कर में घर पे ही बैठ गया और बैठे बैठे सो गया। सर उठा तो 10:30 बज गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर कोर्स। आप कहीं पे भी सेशन देख सकते हैं सर, कभी भी अगर सेशन छूट भी जाता है तो। चलिए धर्मेंद्र जी, यस सर। कुछ सर कुछ मतलब अगर एडवर्ड्स क्योंकि आप अभी भी रन कर रहे हैं, तो एडवर्ड्स से कुछ अभी कुछ लग रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है, या कुछ कॉल्स वॉल्स इंक्रीज हुई है धंधे में या नहीं अभी तक? नहीं सर, वही इशू तो सर अभी भी वही है। तो सर एसईओ पे मेहनत कीजिए, दूसरा कोई और सोल्यूशन है नहीं सर। एडवर्ड में भी सर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस वगैरह और रिलेवेंसी सब वो खराब ही जा रहा है देखो। सर वो देखिए, आप धीरे धीरे जब ऑप्टिमाइज करेंगे अपने पेज को, धीरे धीरे जब टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को हर जगह डालेंगे, कल आपके पेज पे हमने देखा था सर, टाइटल डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारे पेजेस में नहीं डाला हुआ है, उनको डालिए। और सर लैंडिंग पेज को कनेक्ट कीजिए रादर देन आपके होम पेज को कनेक्ट करने से। हाँ वो समझिए सर। जी, तो उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंसी 100% बढ़ेगी सर, कैसे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब भाई ये सर रेलिवेंसी बढ़ाने के बाद भी अगर क्लिक्स आते रहे जिस तरीके से, तो वो पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्री लिस्टिंग पे काम कीजिए सर, क्योंकि पैसा कब तक लगाते रहेंगे सर। सर जो क्लिक्स आ रहा है उसकी वजह से सर वो बाउंस रेट भी बढ़ेगा क्या? मुझे लग रहा है सर आपका जो पैनल है ना, उस पैनल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रेट तो ग्राफ्स तो देखो ही मत, क्योंकि सर आपका सीटीआर ज्यादा हो रहा है, सीटीआर कम हो रहा है, बाउंस रेट ज्यादा हो रहा है, बाउंस रेट कम हो रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स बिगड़ रहे हैं ना सर। तो उस पैरामीटर पे आप बिलीव कर ही नहीं सकते, आप गूगल भी आपको इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा, बराबर। है ना। अब जैसे मान लीजिए नीतीश सर को आपके आपसे दुश्मनी हो गई, नीतीश सर ने सुबह सुबह उठ के देखा कि कहां जहां जहां आपका ऐड चल रहा है क्लिक कर दिया, तो इसका तो कोई जवाब सर गूगल गूगल उनको तो कभी कह ही नहीं सकता, नहीं नीतीश सर आज के बाद आपको सुपर सुपर अप्लायंसेस पे क्लिक ही नहीं करना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। वो तो बराबर है। और एक्चुअली सर आईपी भी जो हम करते हैं ब्लॉग, वो भी एक एक हफ्ते बाद वो चेंज हो जाता है सर, ऑटोमेटिकली। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या होता है धर्मेंद्र जी। पहले क्या होता था, पहले आईपी जो चलती थी ना, वो सिंगल आईपी पे लोग अपने बॉट्स बनाते थे। आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी आईपी को डीएचसीपी पे कॉन्फ़िगर करते हैं, डायनेमिक आईपी चेंज होती है। जैसे आप लोग जो वाईफाई यूज करते हैं अगर घर में या फिर फोन में, उसको डीएचसीपी कहते हैं। तो डीएचसीपी पे आपकी आईपी चेंज होती है और वो डायनेमिकली हर 13 सेकंड में एक नई आईपी आ जाती है। तो कितनी आईपी को ब्लॉक करेंगे? अगर आप आईपी को ब्लॉक करेंगे तो सर इसकी वजह से आपका यूजर काउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। ओके सर। आईपी क्योंकि सर अभी जैसे मेरी कंप्यूटर आईपी मैं देखता हूँ कि हर हफ्ते वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो ही जाता है। हाँ सर, वो तो चेंज होना ही होना है सर, हो ही जाता है सर। क्या करें, आप एसईओ पे ध्यान दें हेलो सर। और आपकी सर आपकी हेलो। आवाज आ रही है सर, लेने वो आपकी आवाज आ रही है सर अभी। ओके जी आता हूँ सर मैं आप पे। सो धर्मेंद्र जी बहुत ध्यान दीजिए सर एसईओ पे, आप काम कर रहे हैं, आपके पेजेस बहुत अच्छे हैं, स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो रखी है वेबसाइट की, जीटी मैट्रिक्स में काफी अच्छी रिपोर्ट है आपकी, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते रहिए सर, आज नहीं कल रिजॉल्व होगा इशू। वेबसाइट सर एक्चुअली मैं हफ्ते दो करीब 2 हफ्ते से काम ही कुछ नहीं किया क्योंकि सब फैमिली आए और काफी घर में। सर देखिए वो तो जरूरी है ही, अब बीवी की डांट तो सुननी नहीं है सर, तो
तो फैमिली तो जरूरी है, तो इंचार्ज इन बार आने वाले थे, उसके बाद फिर कंटिन्यू काम। अच्छा सर, एक इशू मेरे पास और आ रहा था, आपने गूगल ऐड पे जो ई कॉमर्स पेज का ऐड चलाने कहा था, जो कि बहुत अच्छा होता है सर। गूगल एड से ई कॉमर्स में फायदा होता है, रीजन बीइंग ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना सर, प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स के कीवर्ड इतने हाई रिस्क कीवर्ड होते हैं, इतने ज्यादा हाई वैल्यू कीवर्ड होते हैं कि उस पर आप कितना एसईओ कर लेंगे सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने शर्ट ढूंढनी है तो शर्ट पे कितना ऑप्टिमाइज कर लेंगे सर आपसे पहले 20,000 साल पहले से सर चले चले जा रहे हैं लोग, पता नहीं शर्ट बना रहे हैं, पहले लोग पत्ते के शर्ट पहनते थे, अब लोग कपड़े के शर्ट पहन रहे हैं, तो कितने लोगों को पीछे छोड़ देंगे सर। इसलिए एडवर्ड ज्यादा अच्छा है कि 2 मिनट में ऊपर आ जाते हैं। नहीं, आपने कहा था एडवर्ड है वो बिल्कुल 100% आपने सही कहा था, लेकिन मैं ई कॉमर्स पेज पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था सर, उसमें कैसे प्रोसेस के साथ सर। ई कॉमर्स पेज में जो आप बात कर रहे हैं शॉपिंग एड्स की, ई कॉमर्स ले जाके नहीं, एड तो बना लूंगा, लेकिन जो पेज पे अगर मैं अपना शॉपिंग का एक पेज बना रहा हूँ ई कॉमर्स को इंस्टॉल करके या किसी करके, उसमें 2-3-4 तरह के प्रोसेस दिए हुए थे जी, वो थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसको कैसे मतलब प्रॉपर एक पेज अच्छा सा बना दूंगा। आप WooCommerce पे कंफ्यूज हैं सर? जी सर, ठीक है, आते हैं सर उस पे भी आ जाएंगे, कोई नहीं। आईफोन से कौन लॉगिन है सर, प्लीज अपना नाम बता दीजिए। आईफोन, हाँ सर, गौरव, गुड इवनिंग। गौरव जी कैसे हैं सर, बहुत सर, बढ़िया है सर। हाँ सर, लाइट की दिक्कत बहुत है यहाँ। चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं सर, आप आईफोन खरीदते रहिए सर, जगमगाते रहिए सर। कंग्रेचुलेशन, आपने आईफोन लिया है सर, तो लाइट रहे नहीं रहे सर, जीवन में उजाला रहना चाहिए सर। ठीक है सर, चलिए चलिए। बाकी आगरा वाली टीम ज्वाइन नहीं कर चुकी है, बाकी जितने लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। सेशन हमारा एंड रिजल्ट पे पहुंच चुका है, प्लीज लास्ट के सेशन नहीं छोड़िए। बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा बात करेंगे, इसीलिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स इन्हीं लास्ट के सेशंस में क्लियर होंगे। सोशल के लिए प्लेटफॉर्म्स में हम काम करेंगे, आज हम फेसबुक बताने वाले हैं, तो जो लोग क्लास में नहीं है इस रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। चलिए सर, लेनोवो सर कहां से हैं आप? सर मैं एमपी से हूं, बड़वानी से। और करते क्या हैं सर आप? सर मैं सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस करता हूं। किस चीज का सर? सीसीटीवी कैमरा। ओके, सीसीटीवी कैमरास। जी सर जी। और क्या करना चाहते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग करके? सर मैं एक्चुअल में खुद का डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस का तो कर लेता हूँ जी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में मैं डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलूँ, ठीक है, और मैं मेरे एरिया के जितने बिजनेसमैन हैं उनका भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनका भी मार्केटिंग करूँ। अच्छी सोच है सर, अच्छी सोच है। आप देख सकते हैं सर ये एक रेगुलर क्लास है, ये एक रेगुलर क्लास में आज हम फेसबुक का टॉपिक लेके चलेंगे। कुछ सेशंस हैं क्योंकि ये सेशन अभी एंड हो रहा है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी कवर नहीं हुए हैं उसको लास्ट में हम कवर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। धर्मेंद्र जी कोई क्वेश्चन सर आपका? नहीं सर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है सर? ठीक है सर। सर ठीक नहीं, क्लियर और ठीक में बहुत अंतर है सर। सर आप सब समझ लेते हैं क्या? देखिए धर्मेंद्र जी, आपको मेरा नेचर पता है सर, मैं छोड़ूंगा आपको तब तक नहीं जब तक आप सीखोगे नहीं, है ना, तो इसीलिए क्लियर और ठीक में टॉपिक डिसाइड कीजिए सर। टॉपिक कौन सा नहीं समझ आ रहा है सर? टॉपिक है एक्चुअली सर, मैं हफ्ते दो हफ्ते से काम ही नहीं किया हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, आपके पास सेशन खत्म होने के बाद भी आपके पास मेरा फोन नंबर जीवन भर है सर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वैसे भी बंद नहीं होगा सर, कोई दूसरा आएगा वो भी फोन उठा ही लेगा। चलिए आगे चलते हैं। सुजीत सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। सब कुछ क्लियर है सर? यस सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। गौरव जी कोई क्वेश्चन सर? नो सर। आप सेशन देख रहे हैं सर, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं? दो वीडियो, ये पिछला वाला नहीं देखा था सर। कोई बात नहीं सर, उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है सर। हाँ सर, कोई क्वेश्चन सर आपका? नहीं। निश्चित सर कोई क्वेश्चन? सर फेसबुक ऐड को लेके है, फेसबुक ऐड ऑर्गेनिक सर्च के लिए तो बहुत अच्छा है नहीं, बस मैं क्या कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस से यूज होता है सर। आते हैं उस चीज पे बात करते हैं, क्या है फेसबुक ऐड, क्यों जरूरी है फेसबुक। धर्मेंद्र जी हो सकता है आप जितना पैसा गूगल में लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा इसमें स्टार्ट करें, क्योंकि आज तक आपने फेसबुक पे काम नहीं किया। नहीं सर, मैंने यूज नहीं किया है सर। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर कुछ कुछ पैटर्न यहाँ पे निकाल के देखें, क्योंकि सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम आज सोशल की बात करें ना, तो सोशल के रीजन क्या होता है हमारे पास? मैं हमेशा ये बोलता हूँ सर, हमारे पास सोशल का रीजन ये है कि आज हमारी जो जनरेशन है ना, आपकी और मेरी एज के जो लोग हैं, वो लोग इतना ज्यादा ग्रस्त हो चुके हैं सोशल से कि सर हम बाथरूम की सीट पर भी बैठ के जब तक दो बार फेसबुक स्वाइप नहीं करते ना, हल्का फील नहीं करते हैं। तो इतना ज्यादा एडेप्ट हो चुके हैं हम लोग, सोते टाइम हमें नींद नहीं आ रही होती तो हम व्हाट्सएप और फेसबुक देख रहे होते हैं। तो ये रीजन है सोशल प्लेटफॉर्म में लोगों का कनेक्ट होने का। अब ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग कनेक्ट हैं, इनको अगर हम अपना ग्राहक बना लें तो वो भी तरीका है सर, एक तरीके का पैसा आ सकता है वहां से। प्लस अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो सोशल नेटवर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निश्चित सर अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका जो प्रोडक्ट है, लोगों के दिमाग में बार बार आपका प्रोडक्ट डालने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्गेनिक पे कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन आप ऑर्गेनिक पे उन लोगों को टारगेट कर पाएंगे जो आपको ढूंढ रहे हैं। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनको आपके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, और आप उनको कुछ ना कुछ अच्छा खासा दिखा के वहां से कन्वर्जन लेके आ सकते हो। सर इसमें दो आंसर्स रहते हैं। जैसे धर्मेंद्र जी का जो सेगमेंट है, ये बड़ा कॉमन और जनरल सेगमेंट है, तो इसमें फेसबुक एड मेरे साथ अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारी जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है ना, जैसे कोई इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है तो जनरल पब्लिक से उसका कोई मतलब नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक लोग उस पर काम कर रहे हैं जी, वहां पे सोशल मीडिया के एड जो है थोड़े से इफेक्टिव कम होते हैं। सर देखिए बात ये होती है, सिंपल सा लॉजिक है सर, बात ये होती है कि अगर सोशल मीडिया पे जो आज फेसबुक पेज कमाल दिखा रहा है या फिर जो YouTube कमाल दिखा रहा है, इसमें होता क्या है, आपके सब्सक्राइबर्स और आपके पेज के जो लाइकर्स हैं वो एक फैमिली बन जाती है। आपका एक पोस्ट बिना किसी एड चलाए हुए अगर 50,000 लाइक है तो 50,000 लोगों तक पहुंच जाते हैं फटाक से। वो लोग अपने आप में, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। सोशल पे रहना 100% जरूरी है, चाहे आप वहां से अपने बिजनेस को निकालें नहीं निकालें, सोशल पे आपका रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए धर्मेंद्र जी फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाते हैं सर मशीन रिपेयर करने के लिए, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए, थोड़ी मोड़ी सर क्लाइंट से बात होती होगी, हंसी मजाक होता ही होगा, और क्लाइंट को अगर आप ये बताएं कि आपके फेसबुक के ऊपर 50,000 लाइक्स हैं, सर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस सर। फर्क पड़ेगा ना सर? यस सर। क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मुझे बताइए सर क्या फर्क पड़ेगा? उसको बताएंगे कि 50,000 लाइक्स है तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, फील होगा, तो जाके वापस उस पेज को चेक करेंगे, कुछ फील होगा तो भी लाइक करेंगे तो भी हमारे फ्यूचर कस्टमर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं धंधे वाला आदमी हूँ सर, सीधी सीधी बात करता हूँ सर। कस्टमर अगर आपके पेज को देख के आपको समझ रहा है कि आप बहुत बड़े हैं, तो वो आपके लिए रिकरिंग कस्टमर बन गया समझ लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था धर्मेंद्र जी, जब किसी के पास जाए तो एक नई टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लेके आए, दिमाग को थोड़ा सा खोल के चले सर, उसमें करना कुछ नहीं है, कस्टमर के साथ खड़े होकर एक सेल्फी खिंचवानी है, कस्टमर को बोलना है हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, सर मजेदार जीवन भर के लिए वो कस्टमर आपसे जुड़ गया। yes, है ना निश्चित सर? जी सर बिल्कुल सही, जीवन भर के लिए इनसे वो कस्टमर जुड़ गया। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन रिपेयर वाले किसी इंजीनियर को बुलाते हैं और वो इंजीनियर काम अच्छे लेवल से करके, सेटिस्फाइड रिजल्ट से करके आपसे लास्ट में बोलता है कि सर प्लीज एक सेल्फी कर दीजिए हमारे फेसबुक के लिए, दो चीजें हैं, या तो आप अपने आप को दिखाना नहीं चाहेंगे, या तो आप कहेंगे अरे छोड़ो भैया मेरे को मतलब नहीं है, नहीं तो दूसरा आप उस बंदे से इतना खुश हैं कि आप उसको रिव्यू देना चाहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नहीं करेगा किसी और के लिए जो उस रिव्यू को देख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। अब बात करते हैं, सबसे पहले किसी को भी अगर आपका फेसबुक पेज दिखाना है तो दिखाने में आपके अगर 200-300 लाइक रहे तो कोई मतलब नहीं है ना, 4,000-5,000 लाइक रहे तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है कंपनी चल रही है, लोग आ रहे हैं, रिव्यूज चल रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम यहां से स्टार्ट करें कि एक फेसबुक पेज बनता कैसे, आप सारे लोग फेसबुक यूज करते होंगे, धर्मेंद्र जी फेसबुक यूज करते हैं? नहीं सर। फेसबुक यूज भी नहीं करते हैं? नहीं सर। चलिए मैं मजबूर कर दूंगा सर आपको यूज करने के लिए अब, है ना। चलिए सर, फेसबुक आईडी बनाना बहुत इजी है, आप सारे लोगों को पता है, धर्मेंद्र जी बहुत इजी है, सिंपल फेसबुक पे जाइए, अपनी ईमेल एड्रेस डालिए या फिर आजकल फोन नंबर से भी बन जाता है और आपकी फेसबुक आईडी बन गई। बनने के बाद फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, इस फेसबुक पेज से लेके फेसबुक में जो भी हमने एडवर्ड्स में पढ़ा था, एड्स चलाते टाइम, वो सारी चीजें फेसबुक में आएंगी।
क्योंकि फेसबुक ने सोचा पैसा कमाने का तरीका क्या हो सकता है, उसको एडवर्ड से बढ़िया कुछ समझ में नहीं आया, तो फेसबुक ने भी अपना एड प्लेटफॉर्म निकाल दिया और वो था फेसबुक एड मैनेजर। निश्चित सर, आपने कभी फेसबुक का एड एग्जीक्यूट किया है, कभी रन किया है? जी सर, किया हुआ है। आपने क्या किया होगा, अपने पेज में जाके बूस्ट पोस्ट या फिर अपने पेज को लाइक को बना दिया होगा सर वहां से? नहीं सर, इसमें जो फेसबुक के प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट मांगता है, ऐड के ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही देता है जैसे गूगल ऐड देता है। चलिए बहुत बढ़िया। और सर आपका मैंने फेसबुक मैनेजर पे लॉगिन किया है सर कभी? हां सर, लॉगिन किया है सर। चलिए आप मेरे टारगेटेड कस्टमर रहेंगे सर आज के। आते हैं सर स्क्रीन पे, चलते हैं और स्क्रीन पे मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि कैसे एक फेसबुक अकाउंट बनता है, उसके बाद कैसे पेज क्रिएशन होता है। आप जब फेसबुक पे जाते हैं धर्मेंद्र जी, याद रखिएगा पहले आपको एक फेसबुक अकाउंट बनाना है, कुछ लोगों को जोड़िएगा सर उसमें। जोड़ने के बाद आपको एक पेज बनाने के लिए फेसबुक आईडी आपकी होनी बहुत जरूरी है। आपको सिंपल यहां पे जाना है और जाने के बाद आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और आप अपना फेसबुक का पेज बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आपके पास, यहां पे जाइए और टाइप कीजिए फेसबुक एड मैनेजर। इस फेसबुक एड मैनेजर पे जब आप जाते हैं आजकल इंस्टाग्राम बड़ा सुना होगा आप लोगों ने, इंस्टाग्राम पे भी जो फेसबुक एड चलते हैं वो इंस्टाग्राम के, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना कोई एड नेटवर्क नहीं है तो उसने फेसबुक से ही हायर कर रखा है। यहां पे जब आप आते हैं ये है फेसबुक का, जैसे गूगल का एडवर्ड्स एक एड वो एड प्लेटफॉर्म है ना धर्मेंद्र जी? यस सर। वैसे ही फेसबुक का प्लेटफॉर्म है फेसबुक बिजनेस। और यहां पे आप जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा एक क्रिएट पेज का। अगर आपके पास कोई फेसबुक आईडी नहीं है फिर भी आप एक पेज यहां से बना सकते हैं। ये नया अपडेट हुआ है 2 महीने पहले, इससे पहले आपके पास फेसबुक आईडी होनी बहुत जरूरी होती थी। यहां पर आप एक पेज बनाएंगे। पेज किस तरीके से बनता है मैं दिखाता हूं आपको। हम धर्मेंद्र जी का एक पेज बनाते हैं और धर्मेंद्र जी को हैंड ओवर कर देंगे वो पेज सर, मैं अपने पास नहीं रखूंगा फॉर श्योर। चलिए यहां पे पूछा जा रहा है मेरे से बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। कम्युनिटी और पब्लिक फिगर आप तब डालेंगे जब आप एक ब्लॉगर होंगे या फिर आप कोई नेता हैं या फिर आप कोई एनजीओ हैं, तो आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। याद रखिएगा इस सिलेक्शन मोड का बहुत डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि फेसबुक आपको उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो जिनका इंटरेस्ट इन लोगों में है। ऑर्गेनिकली पैसा देके तो आप किसी को भी दिख सकते हैं। यहां पे बिजनेस और ब्रांड, तो धर्मेंद्र जी का लेके चलते हैं बिजनेस और ब्रांड। गेट स्टार्टेड, यहां पे पेज नेम डालते हैं। पेज नेम का मतलब यहां पे हम डालेंगे सुपर अप्लायंसेस। सर स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा प्लीज। यस सर, स्पेस रहेगा सर, अब सुपर के बीच में? सर पेज नेम में स्पेस नहीं रहेगा सर। ओके, मतलब बाकी सुपर अप्लायंसेस ठीक है ना? हाँ सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। कैटेगरी आपकी क्या है? यहाँ पे रिपेयर सर्विसेज देख लेते हैं अगर कुछ आ रहा है तो, अप्लायंस रिपेयर सर्विसेज, ठीक है। एड्रेस, ये एड्रेस मांग रहा है सर, एड्रेस बताइए सर। बिल्डिंग नंबर 20। बिल्डिंग नंबर 20, यस, चांदीवली संघर्ष नगर सर। ये स्पेल करना पड़ेगा आपको, CHANDI, सॉरी CHANDI DI VA VA LI जी, संघर्ष AN SAN। सर आप कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन को? चलिए आप ना चाहते हुए भी अब फेसबुक आपको चलाना पड़ेगा सर, पूरी क्लास आपको तंग करती रहेगी फेसबुक में क्या चल रहा है। तो जीत जी टारगेट रख लीजिए, इनसे रोज पूछ लीजिएगा, अपने आप चलाना सीख जाएंगे सर। यस सर। सर यही मजा है जब एक ग्रुप में आप काम करते हैं ना, तो यही मजा है सर। बहुत स्टडी की होगी आपने रात रात में जग के सर, ग्रुप स्टडी, एक बच्चा पढ़ता है दूसरा नहीं पढ़ता है सर, स्टोरी सुन के एग्जाम दे के आ जाते हैं, वही काम यहाँ पे है सर। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे जी फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब एक हो गया है,
जी सर, एक नहीं हो गया है, इंस्टाग्राम के पास अपना एड नेटवर्क नहीं है तो वो फेसबुक का एड नेटवर्क यूज करता है। तो मान लीजिए सर हम लोग एड बनाते हैं तो फेसबुक एड वो इंस्टाग्राम एड दोनों सेम ही रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा ठीक है सर। सर यहाँ पे अपना बिल्कुल बेधड़क फोन नंबर डाल सकते हैं धर्मेंद्र जी, यहाँ पे कोई सस्पेंड सस्पेंड ज्यादा होता नहीं है क्योंकि इनको भी पैसे की जरूरत है थोड़ी। चलिए इसके बाद यहां पर मैं कंट्रोल आपसे वापस ले चुका हूं धर्मेंद्र जी। यहां पे हमें एड अ प्रोफाइल पिक्चर डालनी है। ये प्रोफाइल पिक्चर कहां पे आएगी? आपने देखा होगा आपके फेसबुक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में आपको एक पिक्चर दिखती होगी, उसको हम कहते हैं फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, पेज प्रोफाइल पिक्चर। ये पेज प्रोफाइल पिक्चर क्या होगा धर्मेंद्र जी? नेचुरल सी बात है, आपका लोगो होगा। यस सर, है ना। इसका साइज क्या होगा सर? इमेज का साइज ऑटोमेटिकली या तो आपको क्रॉप करके मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपल यहां पे फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर साइज अगर आप डालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, गूगल ही दिखा देगा सामने आपको 180 बाय 180 पिक्सल्स। ठीक है, आप इसको 250 बाय 250 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, आप इसको 360 बाय 360 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, बशर्ते वो एक स्क्वायर हो। तो बहुत अच्छा है सर ये। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं, यहां पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपका कवर फोटोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेसबुक में कवर फोटोग्राफ होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कवर फोटोग्राफ है ना, आप कितने भी पेज को शेयर करें, कितने भी पेज को लाइक करें, ये कवर फोटोग्राफ हर जगह दिखेगी और ये सबसे बड़ा रीजन है आपके पेज पे लोगों को खींच के लाने का। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एक्ट्रेस एक्ट्रेस हीरो हीरोइंस की फोटोग्राफ आप लोग देखते होंगे, फटाक से पेज लाइक कर दिया। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इमेज में दम होता है। अब यहां पर हमें टारगेट ये करना है कि हमारे फेसबुक प्रोफाइल का जो पिक्चर है, जो कवर फोटोग्राफ है, इसको टेक्निकली हम कवर फोटोग्राफ कहते हैं। किसी इंटरव्यू में अगर आप जाएं, या फिर सर मैं आपका नाम भूल गया जो एमपी से लॉगिन है, प्लीज सर आई एम रियली सॉरी सर, एमपी से जो लॉगिन है प्लीज अपना नाम बता दीजिए, लेने वो सर विजय जी। जैसे लेट सपोज अगर आप कोई एजेंसी खोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि आपको क्लाइंट कह रहा है कि मेरा एसएमओ प्रमोशन होना चाहिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आप जब यहां पे क्रिएटिव डालेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट यहां डालेंगे उसको टेक्निकली क्रिएटिव कहते हैं। तो क्रिएटिव जब आप यहां डालेंगे तो इसका कॉस्ट लेंगे आप। इसको बनाना कहां से है? बहुत इजी, दिमाग नहीं लगाइएगा, मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है धर्मेंद्र जी आपको। सिंपल कुछ नहीं करना है, कैनवा पे जाइए सर, canva.com, ये आपको फेसबुक प्रोफाइल बनाने का, कवर इमेज बनाने का बहुत अच्छा तरीका दे देता है। सिंपल यहां पे फेसबुक कवर डालिए, फेसबुक कवर सेम साइज सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगी। अपना फोन नंबर, अपने बारे में जो भी आप रिपेयर करते हैं, जो भी चीजें करते हैं सर यहां से सेलेक्ट करके डालिए। जो आप ऑफर्स देना चाहते हैं वो ऑफर्स यहां से डालिए। लेट सपोज हमने ये डाल दिया, इसके बाद आप सर इसको एडिट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, इस इमेज को डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया गया है, इस इमेज को यहां पे अपडेट कर दीजिए। क्लियर है धर्मेंद्र जी? निश्चित सर, कोई क्वेश्चन यहां तक? कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल लग रही है क्योंकि आप लोगों ने पहले से फेसबुक पेज पे काम किया होगा, तो लेट इट गो, बिकॉज हो सकता है शायद मैं आपसे कुछ सीख जाऊं या आप इस सेशन से कुछ सीख जाएं, है ना। इसमें सर बस एक चीज है जो मैंने अलग से आपकी इंप्लीमेंट करी थी, जैसे आपने लोकल लिस्टिंग में बताया था ना, अपने कीवर्ड को आप इस्तेमाल करिए तो सर्चेज में जाता है जी। वैसे अगर सर इस पेज पे भी करेंगे तो ये भी सर्चेज में आ जाएगा सर 100%। लेकिन अगर आप एक ब्रांड का बना रहे हैं तो सर ब्रांड में कहां कीवर्ड डालेंगे? ये सर नाम पेज का, सर पेज का नाम जो है ना, वो पेज का नाम आपकी ब्रांड के लिए। लेट सपोज एयरटेल है, अब लेट सपोज एयरटेल है फॉर एग्जाम्पल, तो एयरटेल में, एयरटेल का अगर कोई पेज बना रहा है
तो एयरटेल के पेज की जगह क्या डालेगा सर, मोबाइल रिचार्ज? अब सर जैसे मैंने तो अपना इस तरह से डाल दिया था सर, क्योंकि आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट वो है इस टाइम, क्योंकि आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है निशित सर, हमेशा बोलता हूँ सर, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन अदरवाइज इट विल बी अ लॉ, रूल बनते हैं टूटने के लिए, वरना वो सर सलाखों के पीछे ले जाएंगे आपको, है ना? तो मुझे फायदा भी मिला और एक्सपीरियंस भी मिला सर उससे। बिल्कुल सर, 100% आपकी सोच बिल्कुल सही है निश्चित सर, बिल्कुल सही है। आप अगर कस्टमर को इसीलिए फेसबुक पे जोड़ना चाह रहे हैं कि आपके पास कस्टमर रिकरिंग आ जाए, पैसा आ जाए, आपके पास धंधा आ जाए, उसमें और ब्रांडिंग करने में दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कंपनी आपके पास आती है और कहती है मेरे को SMO करवाना है, उसके लिए उसके पेज का ब्रांड लेना बहुत जरूरी है ना? दोनों पेज को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, आप बाद में उसके पोस्ट को उतने तरीके से डालिए कि फेसबुक पे कोई सर्च करे तो मजेदार आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा निशित सर, हर सोशल नेटवर्क का एक डेथ टाइम होता है, जैसे ऑर्कुट था जी सर, उसका डेड टाइम बड़ा शानदार था। हम लोग कॉलेज में थे और हमें पता भी नहीं लगा सर कैसे ऑर्कुट खत्म हुआ और 3 रातों में कैसे फेसबुक पे सारे यूजर आ गए इंक्लूडिंग अस, और बेचारा ऑर्कुट खत्म। ऐसे ही बेचारा फेसबुक की आजकल हालत चल रही है, लोग इंस्टाग्राम में बड़ा ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने फेसबुक ही अभी नया नया सीखा है, वो भी फेसबुक सीख के अगले 5 सालों बाद इंस्टाग्राम में जाएंगे, और हो सकता है तब तक इंस्टाग्राम का कोई इंस्टाग्राम प्लस आ जाए। असल में इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटो शेयर करने ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम में सर ज्यादा अच्छे से आसानी हो जाती है। सर देखिए, इंस्टाग्राम में निश्चित सर, अगर आप अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ कुछ क्रिएटिव बना के डाल रहे हैं ना कि ये ऑफर वो ऑफर, स्टार्ट योर बिजनेस विद मोबाइल रिचार्ज सॉफ्टवेयर, अच्छा चलेगा सर? बढ़िया चलता सर, दिखता है जो क्या कहते हैं, क्योंकि आज गांव गांव टिकटॉक को लेकर बैठा हुआ है सर। टिकटॉक लोगों को कुछ पता हो नहीं हो, टिकटॉक जरूर पता है बच्चों को, क्योंकि टिकटॉक इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक इतना ज्यादा फेसबुक पे शेयर हो रहा है कि लोग उसको यूज करने के चक्कर में सोशल प्लेटफॉर्म सीख जा रहे हैं। अब बस वहीं से कस्टमर पकड़ना है सर, आपको तो यही कस्टमर चाहिए ना जिसके पॉकेट में पैसा हो और वो सोच रहा है भैया धंधा क्या करना है, आपने कहा आओ भैया मोबाइल रिचार्ज सॉफ्टवेयर खरीद लो, है ना सर? तो यही है सर। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि आप पेज बनाने के बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन सब कुछ डाल देते हैं। जब बात आती है पेज को प्रमोट करने की, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल यहीं पे प्रमोट का बटन दबा देते हैं। धर्मेंद्र सर आपके लिए मैं बता देता हूं, इस प्रमोट के बटन को दबा के आपके लिए फेसबुक एक ऑटोमेटिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे आपको एक एड मैनेजर दिखाएगा छोटा सा, जैसे आप लोगों को याद होगा गूगल एड्स में एक एक्सप्रेस अकाउंट हुआ करता था, होता था धर्मेंद्र जी? यस यस, वो जो एक्सप्रेस अकाउंट था उसमें ज्यादा ऑप्शन दिए नहीं जाते थे, बेवकूफ बनाने का तरीका है। बराबर है ना, ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं सर, पैसा कार्ड लगवा लिया और एड चल गया, 10,000 का एड गायब, बंदा सर पकड़ के शाम को बैठा हुआ है। बराबर है ना, लेकिन यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आप अगर इसको प्रमोट करेंगे, मैं दिखा देता हूं, अगर यहाँ पे आप इसको प्रमोट करेंगे तो प्रमोट करने पे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है प्रमोट योर पेज प्रमोट बिजनेस लोकली। धर्मेंद्र जी टारगेट रखिएगा, गेट मोर विजिटर वेबसाइट गेट मोर लीड्स, प्रमोट योर पेज पे चलते हैं सर, हमें लाइक्स चाहिए इस टाइम। देखिएगा डिफरेंस दिखाता हूं मैं अभी। निश्चित सर इस फॉर्मेट को आपने यूज किया है कि मैनेजर में जाके अपने एड बनाते हैं? सर दोनों यूज करा है, बाद में मैंने मैनेजर को समझा था इसमें तो लाइक्स वगैरह बढ़ाने उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा ऐड नहीं होता ये। सर देखिए यहाँ पे आप ऐड जरूर बनाने का ऑप्शन आपको दिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे इमेज लगा लीजिए, यहाँ पे लाइब्रेरी पूरी आपको मिल जाती है, स्टॉक लाइब्रेरी है, यहाँ से अगर मैं कोई उठाना चाहता हूँ इमेज, यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ सर। चलिए वॉशिंग मशीन मैंने रिपेयर सर्विसेज डाला तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली यही दिखा रहा है सर, देख रहे हो धंधा पकड़ने का तरीके सर, सीख जाओ सर इनसे, पहले ही आपको रेडी करके बैठा हुआ है। चलिए यहाँ पे कुछ इश्यू होगा सर इंटरनेट का, इसलिए नहीं दिखा पा रहा है। यहाँ पे आप स्लाइड शो भी चला सकते हैं, अपनी वीडियो भी कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के सामने। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक स्वाइप करते हैं तो आपके सामने एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है छोटा सा, वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा आता है इसका मतलब कोई बंदा उस फेसबुक एड को चला रहा है, पे करके चला रहा है।
और अगर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है किसी पेज को, आप देख पा रहे हैं लाइक का ऑप्शन नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब समझिए फेसबुक ऑर्गेनिकली आपको दिखा रहा है क्योंकि आपने उस टाइप की चीजों को फेसबुक में पसंद किया है। अभी चलते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, आपने फेसबुक एड वेड पे यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे उसी तरीके से धर्मेंद्र जी, सुजीत जी, जिन लोगों ने नहीं चलाया है अभी तक एड, जो लोग सेशन में नहीं है, निशि मैम, ऋतु मैम, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से एडवर्ड हमने टारगेटिंग किया था अपने ऑडियंस का, उसी तरीके से फेसबुक में टारगेटिंग होती है, हर चीज बिल्कुल सेम है। बजट, रन एड कॉन्टिन्यूसली, चूज व्हेन एड विल एंड। धर्मेंद्र जी, इजी टू अंडरस्टैंड है, एडवर्ड्स पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, yes, sir. है ना, बहुत इजी है सर इस टॉपिक को समझना। चलिए, यहां पर आपको ये दिखा रहा है कि भैया आप 71 रुपीज बजट को लगा सकते हैं। यहां पे देखिएगा, आप मिनिमम 40 रुपए से अपना एड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से एड बनाएंगे तो 70 रुपए से ऊपर आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम। अब चलते हैं, ये तो एक तरीका हो गया, थोड़ा चलते हैं पेज के ऊपर, और पेज के ऊपर बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। सर आप यहां पे जाएंगे और अपने पेज को पोस्ट करेंगे। धर्मेंद्र जी, यहां पे आप रोज रोज नए नए इमेजेस बनाइए, नए नए आर्टिकल्स लिखिए, और यहां पे अपने पेज का लिंक डालिए superappliances.in, जो पेज आपका ब्लॉग है, और उस पेज को यहां पे आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको दिखाता हूं सर, अपनी वेबसाइट आपने उठाई सुपर अप्लायंसेस, सर इसमें जो बी का फेविकॉन आ रहा है सर, ये सिर्फ मेरे लगता है आपके कंप्यूटर में आ रहा है, बाकी मेरे कंप्यूटर में नहीं आ रहा सर। आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है सर, हो सकता है आपका कंप्यूटर सर एडवांस होगा, चेक कर लेते हैं थोड़ी देर में, अभी उसको उन भाई साहब को भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो भी टाइटल था, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वेबसाइट का टाइटल इतना शानदार रखिए, क्योंकि जो आपके पेज को प्रमोट करेगा, जो आपके पेज को शेयर करेगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा शेयर होगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, दो एप्लीकेशन के बीच में बात करने के लिए किसी वेब एप्लीकेशन को टाइटल, मेटा टैग इंपॉर्टेंट है। तो अपने टाइटल और मेटा को इतने प्यारे तरीके से लिखिए कि लोग देख के पागल हो जाएं। जो सर्विस ढूंढ रहा है वो अगर इसी टाइप की चीजों को देखेगा, या फिर जो रेगुलरली आपसे काम कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, हो सकता है धर्मेंद्र जी आप फेसबुक में 50,000 यूजर ले आए, 10,000 रुपए लगाइए, 50,000, 5,00,000 यूजर कनेक्ट कर लीजिए, और हो सकता है कोई बड़ी कंपनी आपको कॉन्टेक्ट कर ले कि भैया मेरे को एक काम करो, मेरे को सपोर्ट सर्विस दे दो। You never know. ब्रांडिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है सर ये, और हर कंपनी, विजय जी मैं बता दूं, हर कंपनी आज SMO के लिए पागल है, हर कंपनी। आप छोटा सा ब्रांड भी लेके चलिए ना, आप सीसीटीवी चलाते हैं सर, सीसीटीवी का बिजनेस करते हैं सर, आपको यूजर को समझाना, जो आप दुकान पे जब यूजर आता था सामने, उसको कॉपी पेन लेके समझाते थे सर ये फायदा होगा, चोर नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, सर उसी टाइप के एड्स बना के, क्रिएटिव बना के आप लोगों तक बिना दुकान से निकले पहुंच सकते हैं। जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं, धर्मेंद्र जी यहां देखिएगा, अपने वेबसाइट पे ब्लॉग बनाइए और उसको यहां शेयर कीजिए, कुछ भी कमेंट्स लिख के, रेगुलरली इस चीज को करते रहिए, आपके साथ यूजर जुड़ते रहेंगे। जैसे आपने कुछ वीडियोस बना ली, कुछ प्रमोशनल वीडियोस बना ली, या फिर कुछ आपने ऐसा लिख दिया कि भैया वॉशिंग मशीन अगर इस पे रिपेयर करनी है तो इस चीज को ऐसे कर लो। एक मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, मेरे को याद आ गया, एक फिश एक्वेरियम वाला बंदा, दिल्ली में राजेंद्र नगर है वहां पे, वो फिश एक्वेरियम वाला बंदे ने क्या किया निशित सर, वो फिश एक्वेरियम वाला बंदा, उसके फिश एक्वेरियम की शॉप थी, उसकी शॉप नहीं चल रही थी, उसने YouTube पे और Facebook पे एक चैनल स्टार्ट किया सर अपना, और उसने क्या किया, उसने लोगों को ये बताना स्टार्ट किया कि उसके फिश में, एक्वेरियम में पानी कैसा रहना चाहिए, फिश कब तक जिंदा रहेगी, गोल्ड फिश लो तो क्या होगा, रोज नए नए, उसको पता ही नहीं, उसकी शक्ल देख लोगे तो लगेगा सर इसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो इतनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पढ़ पढ़ के रोज बना रहा है कि अब लोग उसकी दुकान पे ऑनलाइन फिश बुक कर रहे हैं दिल्ली से कि भैया हमें दे दो फिश के प्रोडक्ट्स, फिश जो खाती है सर उसके प्रोडक्ट्स, उसके ईटेबल आइटम्स, जो वो दिखा रहा है ना कि ये वाला पानी डालो उसमें, ये वाला लिक्विड डालो, वो लिक्विड सर उसकी दुकान से बिक रहा है, कहीं निकलने की जरूरत ही नहीं है, पहले उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा था, अब लोग उसे कॉल कर करके पूछ रहे हैं। तरीका सर बेचने का अपने आप निकल के आता है, तो परफॉर्मा बढ़ाइए। चलिए सर इसी तरीके से कुछ आपको कमेंट्स करने हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं सर। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। यहां पे देखिए, ये सारी चीजें करने के बाद अपने फेसबुक में इसको ऐड कीजिए।
फेसबुक में किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपको ऐड करना है तो उसका साइन है एट द रेट। अगर आपके फेसबुक में कोई भी इंडिविजुअल आपके फेसबुक पेज के अंदर शामिल है, एट द रेट जैसी टाइप करेंगे डेटाबेस में, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की सर्च क्वेरी चला दी आपने एट द रेट। और इसके बाद अगर आपके फेसबुक पेज में या फिर आपके फेसबुक अकाउंट में कोई इंडिविजुअल है तो आप उसका फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे, उसका नाम आपको दिख जाएगा। यहां पर अगर आप लेट सपोज चाहते हैं धर्मेंद्र जी कि आप एक ऐसा पोस्ट बनाएं जिसमें नरेंद्र मोदी जी को बताएं कि भैया आपने एक रिपेयर की थी, वॉशिंग मशीन चल गई है ना, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे हैशटैग चलता है ट्विटर की तरह, आप यहां पे हैशटैग करके जो भी प्रोफाइल पेज है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां पे वो कीवर्ड्स लिख सकते हैं जो कीवर्ड्स लोग ढूंढ रहे हैं, हैश मोदी, मतलब अगर फेसबुक में जाके कोई मोदी सर्च करेगा तो हो सकता है आपका भी ये पेज दिखेगा। निश्चित सर, कोई भी पोस्ट डालेंगे तो उसमें आगे से आप क्या डालेंगे, हैश मोबाइल रिचार्ज सॉफ्टवेयर, क्लियर है सर? हाँ सर बिल्कुल सही है सर, चीज तुम्हें पकड़ के रख लेते हो सर। तो जो अभी तक ही कर रहे थे हैश सर, मैंने लोगों को करते देखा था लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक क्वेरी थी, आपने बताया वरना थोड़ी देर में पूछता सर कि हैश क्या होता है। जी कई जगह मैंने लोगों को हैश करके देखा, हालांकि उसमें मैंने क्लिक करा तो बहुत मतलब रिस्पॉन्स को समझ नहीं पाया बेसिकली। सर देखिए वो तब है क्योंकि जो लोग इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं ना, वही चीज, क्योंकि ट्विटर आजकल लोगों को बड़ा एडवांस लगता है कि यार ट्विटर को हैंडल कैसे करेंगे, लेकिन ट्विटर से बढ़िया कोई जगह नहीं है सर। अगर आपको एज अ फिजिकली प्रमोट होना है कहीं पे तो ट्विटर से बढ़िया जगह नहीं है, तो आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, हैशटैग करके किसी भी पेजेस को कनेक्ट कीजिए, हैशटैग करके अपने कीवर्ड्स को डालिए तो फेसबुक में, सॉरी ट्विटर पे भी वैसे ही चलता है हैशटैग ही होता है, ट्विटर में भी एट द रेट और हैशटैग चलता है। यहां पे देखिए जो फेसबुक का सर्च बटन है, अगर मैं यहां पे डालता हूं वॉशिंग मशीन रिपेयर, चलिए बॉम्बे डाल दें सर, ठीक है सर, आजकल मुंबई चल रहा है ये काफी ज्यादा सर। चलिए प्रोडक्ट पेज है सर लोगों के, रिपेयर सर्विसेज डाल रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं मैंने यहां पे कीवर्ड डाला और इसने मुझे सारे पेजेस दिखाए, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं जो हैशटैग का यूज कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा सर। तो धर्मेंद्र जी अगर आप काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इधर काम कर सकते हैं, लोग यहां पे भी ढूंढते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढते, लोग ढूंढेंगे सिंगल के लिए और एट द रेट किसी प्रोफाइल को कनेक्ट करने के लिए। सर देखिए एट द रेट किसी प्रोफाइल को कनेक्ट करने के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल में जाता हूं और यहां पे जाने के बाद सर मैं अगर किसी कमेंट को यहां टाइप करता हूं और एट द रेट में टाइप करूंगा तो यहां से मैं किसी को भी, ये देखिए मेरे सामने पूरे के पूरे फ्रेंड लिस्ट आ गई है ना, मैं किसी को टैग करना चाहता हूं यहां से टैग कर सकता हूं, क्लियर है सर? यस सर। सर हैश का अगर मैं करूंगा, जैसे अगर मैं कोई पोस्ट लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया आई एम फेड अप विथ इलेक्शंस, ये पोस्ट ना हो जाए इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए यहां पे मैं डालता हूं मोदी, ठीक है, ये जो मोदी मैंने डाला ना, तो जैसे ही मैं इस मोदी को डालूंगा तो पूरे फेसबुक पे जहां जहां पे मोदी वर्ड दिखेगा वहां वहां पे मैं दिखने लगूंगा, मतलब फेसबुक के सर्च में अगर कोई जाके मोदी टाइप कर रहा है तो मैं दिखूंगा वहां। अगर किसी वायरल फेसबुक पे सर हैशटैग की वजह से होता है, बिल्कुल सर वायरल फेसबुक में हैशटैग की वजह से होता है। अब चलिए मानिए यहां पे मैं चलता हूं, ये देखिए फेसबुक मोदी की प्रोफाइल पिक्चर उठा के लेके चलते हैं, ये रहा नरेंद्र मोदी जी यहां पे दिख गए आपको, इनको अगर आपको टैग करना है सीधा इस नाम को उठाइए, ये जो आप करेंगे ना जैसे ही इसको आप अपडेट करेंगे ये उस पेज को कनेक्ट कर देगा,
यहां पे अगर आपको उठाना भी है, अगर आपको डायरेक्टली उस पेज को लेके आना है तो आप डेफिनेटली इनको भी उठा सकते हैं सीधा, इस पेज आईडी को भी उठा सकते हैं। इस पेज आईडी को उठाएंगे, यहां डालेंगे तो ये पेज भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस चीज को उठा के लेके आ जाएगा। आप इसको कनेक्शन नहीं कहेंगे, आप इसको शेयरिंग कहेंगे। क्लियर है निशी सर? क्लियर हुआ कि अगर मैं इस पूरे पेज को उठा के यहां पेस्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब आप इनके पेज को शेयर कर रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे हैशटैग लगा के आप यहां पे नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, अगर यहां पे आप जैसे फॉर एग्जांपल एट द रेट करके, अगर इनकी प्रोफाइल है ना, अगर किसी इंडिविजुअल की प्रोफाइल है तो मैं यहां पे एट द रेट करके उस प्रोफाइल को भी डाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मोदी, ये देखिए मेरे को मोदी जी दिख गए, ये रहे, डाल दिया मैंने। हैशटैग से आप सर्च क्वेरीज बनाते हैं और एट द रेट से कनेक्शन लेके आते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल बराबर, यस सर। दोबारा समझाऊं, क्लियर है? विजय जी कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर, क्लियर है। सुजीत सर क्लियर? नहीं सर, थोड़ा एक बार और बता दे। एक चीज है इसमें जी, कि आप हैशटैग से आपने वायरल हो गए यहाँ पे, मतलब जी एक तरीके से जी। लेकिन आप ऑर्गेनिक जो टॉप पे आते हैं जी, वो आपकी पोस्ट कैसे आएगी प्रमोटर के अलावा? आप बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली मैं जाता हूँ इस फेसबुक प्रोफाइल पे और यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सर्च कर लिया वॉशिंग मशीन रिपेयर जी, है ना, इसकी बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, जैसे आपने मान लीजिए आपने मोदी जी के बारे में लिखा है ना, हैशटैग मोदी लगाया जी, ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई भी मोदी सर्च करता है जी, तो आपका टॉप पे कैसा आएगा सर? ये आप बात कर रहे हैं गूगल की, है ना? नहीं, फेसबुक पे सर। अच्छा, फेसबुक पे कर पाएंगे कि नहीं? जी सर, ऑर्गेनिक सर्च में अगर आपके पेज का लाइक है सर, इसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि अगर आप अपने पेज को, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मोदी डाल रहा हूँ तो मोदी में यहाँ पे अगर मैं मोदी सर्च कर लू तो ये जो पेजेस आएंगे ना, ये सारे पेजेस वो आएंगे जो पेजेस अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 98 फॉलोवर्स हैं यहाँ पे, लेकिन ये पेज नहीं है, ये किसी का अकाउंट है, अकाउंट है, है ना? सबसे ऊपर ये उनको दिखाएगा जो एक्चुअली वेरीफाइड हैं। ये वेरीफाइड है। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ऑर्गेनिक फेसबुक में काम करने के लिए। तो अगर आप हैशटैगिंग पे काम कर रहे हैं और अपने पोस्ट को रेगुलर चला रहे हैं तो इसका मतलब आप उस टैग से एक तरीके का कीवर्ड हो गया ना जी, तो उस कीवर्ड को पकड़ के आप चल रहे हैं। अभी सर ऑर्गेनिक में लाने के लिए आप सिंपल अपने आप को अपने कीवर्ड्स पे स्पेसिफिक रहिए, अपने कीवर्ड्स को प्रमोट करते रहिए, धीरे धीरे आपके पेज पे फॉलोअर्स आएंगे, फेसबुक को लगेगा कि हाँ ठीक है आप असलियत में चल रहे हैं, आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अपने आप ऑर्गेनिक ऊपर आएंगे सर। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि अपन पोस्टों को बूस्ट कर देते हैं प्रमोट के थ्रू। नहीं सर, वो बूस्ट नहीं करना, रीजन बताऊंगा सर, वो सबसे बड़ा लॉस है सर, पोस्ट को बूस्ट करके वो सबसे बड़ा लॉस है। मैं आऊंगा सर उस चीज पे अभी। चलिए, यहां पे मैंने यहां पे डाल दिया और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया एट द रेट मोदी जी को। क्लियर है? एट द रेट अमित शाह को। मुझे नहीं पता कल सुबह क्या हो जाएगा अगर ये पोस्ट हो गया तो, है ना? चलिए अब चलते हैं यहां पे। जी आपने पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद आपके इस पेज पे चलते हैं जो हमने पेज बनाया हुआ था। ये रहा सुपर अप्लायंसेस। ये जो पेज है, इस पेज को बनाने के बाद आप इस पे रेगुलर कमेंट्स डालते रहिए, रेगुलर बटन्स डालते रहिए अपने पेज को। आप यहाँ पे बटन सब कुछ बना सकते हैं, आप अपने पेज को एक वेबसाइट का रूप दे सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, जैसे इनकी वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखिए ये सारे यूज ऐप, ये सारे बटन डाल सकते हैं आप। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का बटन डाल सकते हैं धर्मेंद्र जी, और यहाँ से आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली वो लेके जा सकता है या फिर फोन नंबर दिखा सकता है। बहुत अच्छे से आप इस तरीके का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा फर्क डालता है ये आप पे। चलिए अब चलते हैं फेसबुक एड मैनेजर पे। बहुत इजी है, क्विकली मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को कैसे एक एड बनेगा और किस तरीके से आप काम करेंगे। ये रहा फेसबुक एड मैनेजर।
यहाँ पे मैं अभी एक पेज को प्रमोट करूंगा, क्रिएट एड। जैसे हमने एडवर्ड्स के अंदर बात की थी कैंपेन, सुजीत सर हायरार्की क्या है सर एडवर्ड्स की? सर याद नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र जी हायरार्की क्या है सर एडवर्ड्स की? सबसे पहले अकाउंट, उसके बाद कैंपेन, बहुत बढ़िया, उसके बाद एड ग्रुप, बहुत बढ़िया, कीवर्ड, बहुत बढ़िया, उसके बाद बिलिंग सर, एड्स कीवर्ड, उसके बाद कह रहे हैं बिलिंग। सर हायरार्की, हायरार्की का मतलब ये है कि आपके जो जो सेट्स हैं वो क्या हैं, सबसे ऊपर पहले है अकाउंट, अकाउंट के बाद है आपका कैंपेन, कैंपेन के बाद है एड ग्रुप, एड ग्रुप के बाद है सर आपका कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद है आपका एड लिखना, एड्स का फिर बिलिंग आ गया सर, है ना। तो ये एक परफॉर्मा है, ये एक हायरार्किकल लेवल है। वैसे ही आप यहां पे अगर जाएंगे तो इस जगह पे आप देखिए आपके सामने सेम वही तरीका मिलेगा। तरीका क्या है, सबसे पहले बनेगा कैंपेन, कैंपेन के बाद एड सेट। यहां पे जो गूगल में हम देखते थे एड्स बनाते टाइम, गूगल एडवर्ड्स में आपसे पूछा जाता था अगर आपको सिंपल आपके पेज पे लाइक्स बढ़ाने हैं। निश्चित सर, मैं आपको अभी वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप 2 से 3 पैसे में या फिर आप 1000 रुपए में, कम से कम नहीं भी तो नहीं, आप 4000-5000 लाइक्स इजी ला सकते हैं। सर लाइक से ही मतलब है ना, अभी अभी कस्टमर बेस बाद में पकड़ेंगे, पहले एक प्रोफाइल बनाने के लाइक से मतलब है। जैसे विजय जी आपके पास कोई कंपनी आ गई और उनका कहना है कि मेरे को सोशली, मेरा फेसबुक पे बहुत सारा लाइक चाहिए, कोई नेता आ गया कह रहा है मुझे फेसबुक पे लाइक चाहिए जी, मेरा प्रोफाइल बड़ा दिखना चाहिए, लाइक के लिए लोग पागल रहते हैं, है ना, लाइक के लिए लोग पागल रहते हैं। आज सर हमारे पास तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं सर, मैं तो नेताओं के साथ बहुत काम करता हूं, तो वो लोग पागल रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया एक काम करो, ये लो पकड़ो 20,000 रुपए और मेरी फेसबुक पे 40,000 लाइक ले आओ, 2 दिन के अंदर उनको लाइक चाहिए, कैसे देंगे? तरीका बताता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे एंगेजमेंट सेलेक्ट कीजिए, यहां पे ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, अगर आपको कोई वीडियो पे व्यूज चाहिए यहां से लेके आ सकते हैं, लीड जनरेशन, अगर आपको लीड जनरेशन चाहिए यहां से लेके आ सकते हैं, एंगेजमेंट पे सेलेक्ट कीजिए, नीचे जाइए, पेज लाइक्स पे सेलेक्ट कीजिए, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे पेज लाइक्स मेरा टारगेट है, अभी बाकी को आप खुद यूज कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है, कोई अगर आपने एडवर्ड पे पूरी अच्छे से समझा हुआ है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप। यहाँ पे कैंपेन का नाम डालिए, जिस तरीके से हम कैंपेन का नाम डालते थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे कैंपेन का नाम डालना है। मैं अभी एक पेज के लिए एड बनाता हूँ, ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशन जो ऋषिकेश में हमारी कंपनी है, उसके लिए मैं एक एड यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ, चलिए इसके बाद मैं डेली बजट जाता हूं। याद रखिएगा फेसबुक में, फेसबुक में जितना ज्यादा बजट आप रखेंगे उतना ज्यादा प्रायोरिटी फेसबुक आपको देगी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 5 लाख बजट रख दीजिए, 1000-1500 के आसपास रखिएगा। वैसे गूगल में, सॉरी फेसबुक में आप 40 रुपए में अपना एड चला सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर आप 1000 रुपए रखेंगे या 2000 रखेंगे या 3000 रखेंगे तो आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे 1500 रुपए के आसपास रखिए या फिर 1000 रुपए रखिए। पहले लोग 1000 रुपए या 900 रुपए 700 रुपए रखते थे, लेकिन कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं बोलता हूँ मेरे जैसे पागल गली गली में बोलने वाले हैं तो लोगों को सिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, तो इसलिए 1000 वाले लोग अब ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए 1500 रख दीजिए। सर अगला सेशन कभी ज्वाइन करेंगे तो सर आप बोलोगे 3000 रख लीजिए। सर देखिए ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हम लोग बनाते रहते हैं डेली तो हम लोग को पता रहता है सर कितने भी आप टॉप में आते रहेंगे, तो अभी अभी यही चल रहा है, इसमें आप आ जाते हो अच्छे से। चलिए यहां पे चलते हैं, यहां पे देखिए कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, यहां दिखा रहा है कि लो कॉस्ट रखना है या फिर लोएस्ट कॉस्ट बिड कैप रखना है। अगर आप लोएस्ट कॉस्ट बिड कैप रखते हो इसका मतलब आपने एक लिमिट सेट करी, लिमिट कहां से सेट करेंगे बताता हूं। यहां पे लोएस्ट कॉस्ट 2 ऑप्शन है, एक है लोएस्ट कॉस्ट, एक है लोएस्ट कॉस्ट कैपिंग। लोएस्ट कॉस्ट पे आप क्लिक करोगे, एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके एड का शेड्यूल क्या है। यहां पे है स्टैंडर्ड डिलीवरी, ये देखिए वही सेम ऑप्शन पूरा गूगल एडवर्ड्स कॉपी कर रखा है धर्मेंद्र जी, स्टैंडर्ड एक्सेलरेटेड देख रहे हैं,
पूरा वही कॉपी किया, इन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया सर। अब यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे देखिए आपके सामने लोएस्ट कॉस्ट बिड कैप दिख रहा है। आप यहाँ पे अपने एड को शेड्यूल जो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे चलिए। एडवांस में करने के बाद आप इस पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस दिखेगी। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने पेज को सेलेक्ट कीजिए, यहां पे मैं ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशन सर्च कर लेता हूं। मेरा जो एड सेट है इसका पूरा का पूरा जो जो ऑडियंस होगी, ये ऑडियंस किस तरीके से आएगी समझाता हूं आपको। यहां पे है ऑडियंस बनाना, आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। मेरे को कौन से लोकेशन पे एड चलाने हैं, यहां पे जैसे एडवर्ड्स में हम डालते थे उसी तरीके से यहां पे डालना है। अपने पूरे के पूरे टारगेट को ले लीजिए, जैसे मैंने डाल दिया इंडिया। अगर मुझे सिर्फ लाइक से मतलब है तो मैं सस्ती कंट्रीज पकड़ूंगा, मेरा एड बहुत मजेदार तरीके से मेरे को लाइक दे देगा, 20 पैसे के आसपास मेरे पास लाइक्स आ जाएंगे। नेपाल, बांग्लादेश, बट सर नेपाल के लोग हमें लाइक सर पेज को तो देखेंगे ना सर। मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं कि इमीडिएट लाइक्स कैसे बढ़ाओगे। क्लियर है सर? ठीक है। इसके अगर आपको एक्चुअल चाहिए, एक्चुअल कस्टमर बनाना, तब तो अपने एरिया का ही नाम डालोगे आप, बराबर है ना। नेपाल से कौन आपसे वॉशिंग मशीन रिपेयर करवाएगा सर, बांग्लादेश से आके, है ना, पुलिस ने और पकड़ लेना है। चलिए यहां पे अगर आपको लाइक्स बहुत अच्छे चाहिए 13 से 65 प्लस पे जाइएगा सीधा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब आप किसी कंपनी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो उस कंपनी को आपको उसके एरिया के लाइक्स तो देने ही देने हैं, बट सर अगर सारे लाइक्स ही दे दोगे तो कमाओगे क्या? इसीलिए आप लोगों को एक बंडल लाइक्स देना पड़ेगा। निशित सर बिजनेस समझ रहे हैं? जी सर। बिजनेस बंडल लाइक देना पड़ेगा सर। आप अगर कंपनी से 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हो सर एसएमओ के लिए, तो सर उसमें से 5,000 रुपए बचाओगे तभी तो कुछ खाओगे, तभी तो उसको कुछ खिलाओगे, वरना पता लगे 10,000 रुपए उससे ले रहे हो, 11,000 रुपए एड में लगा दिया, तो क्या कंपनी चलाओगे सर? तो उसके हिसाब से बिजनेस तो देना ही है, उसके एरिया को जरूर सेलेक्ट कीजिए, बट लाइक इंक्रीज करने के लिए, कि आपका ट्रस्ट भी बना रहे, लाइक इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल लाइक से दिखेगा ना किसी भी बिजनेस का। यहां पे चलते रहिए, यहां पे डेली टारगेटिंग आप कर सकते हैं, टारगेटिंग मेथड आप डाल सकते हैं कि भैया उसको क्या क्या चाहिए, मदर्स डे करना है, जो भी करना है, फेसबुक में जो भी हैशटैगिंग चल रही है वो यहां पे आपको दिखेगी, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। यहां से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किन लोगों को आप टारगेट करें, फेसबुक के लोगों को टारगेट करें जिन्होंने आपका पेज पहले लाइक किया हुआ है, उनको ये चीज दिखाएं, या फिर आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर लीजिए, आप चाहते हैं नए कस्टमर्स लाइक करें, इन सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहां से। इसके बाद एडिट प्लेसमेंट पे ना करें, इस पे आप चलें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे, रेकमेंडेड है, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी प्लेसमेंट करेगा अपने हिसाब से, लेट फेसबुक डू इट फॉर यू। बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि अगर आप एडिट प्लेसमेंट करते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर आप एडिट प्लेसमेंट करते हैं तो आपके सामने यहां पे इंटरेस्ट भी आ सकता है, आप पूरे के पूरे चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम फीड पे कहां कहां पे अपना एड चलाना है, आप चला सकते हैं अपने एड, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिए। यहां पे एडिट प्लेसमेंट्स का मतलब, धर्मेंद्र सर याद है सर गूगल एडवर्ड्स में हम प्लेसमेंट्स करते थे, बिल्कुल वही सिनेरियो यहां पे यही है। आगे चलते हैं और यहां पे देखिए बजट एंड शेड्यूल, यहां पे हमने एक कैपिंग सेलेक्ट की थी, आपको याद है? यहां पे आप अपनी कैप सेट कर सकते हैं, मैं डाल देता हूं 0.20 पैसा। अब इतने से कम में ही मेरा एड चलेगा, मेरा पर क्लिक इतने में ही चलेगा। दो ऑप्शंस यहां पे मिलते हैं, इंप्रेशंस और क्लिक्स। याद रखिएगा अगर आप किसी कंपनी के लिए चला रहे हैं तो पेज लाइक पे फेसबुक को पैसा दीजिए, वरना फेसबुक पूरी दुनिया को दिखाएगा और इंप्रेशन पे अच्छा खासा काट लेगा आपको। पर पेज लाइक पे कितना भी फेसबुक दिखा ले, लेकिन लाइक होगा तभी पैसे देना उसको, तो इसलिए पेज लाइक पे क्लिक करना है आपको, वरना लोग क्या करते हैं
लोग अपने पेज को चला देते हैं, प्रमोट वाले बटन पे दबा देते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट को चला दिया और पैसे निकल गए सर 700-800 रुपए और लाइक आई 14, है ना विजय जी? हुआ ऐसा? यही होता है इसलिए तो सर, तो इसके बाद नहीं होगा जी। यहाँ पे अगर आप मेरे खुद कर लेंगे, मेरे खुद के पेज को मैंने प्रमोट किया था जी, 1000 रुपए दिए थे जी, लेकिन उधर से मुझे लाइक से मिले थे लगभग 150। सर अब यहाँ पे आप कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आप पर लाइक इसको दीजिए, लेट सपोज 0.2 पैसा इतना मैं दूंगा, अपने आप ही चलेगा। सर फेसबुक को जरूरत है पैसे की, सर 20 पैसे भी उसके लिए बहुत है, तो चलाएगा वो। यहां से कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको अपना पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद अपने एड की फॉर्मेटिंग करनी है आपको, स्क्रीन पे क्लिक करना है। फॉर्मेटिंग करने के लिए जो तरीका, अगर विजय जी आपने एडवर्ड पे काम किया है, मैं सॉरी क्षमा चाहूंगा सर, बाकी सारे स्टूडेंट एडवर्ड पे स्किल्ड हैं तो शायद आप कुछ पॉइंट्स मिस कर रहे होंगे, बट जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो समझ जाएंगे उस चीज को एडवर्ड कैसे चलता है। यहाँ पे आप अपनी इमेज और अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, अपने एड बनाने का तरीका है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने एड को बनाइए, अपने एड को जब आप बना रहे होंगे तो यहाँ पे आप अपने एड में टॉप में लिख सकते हैं कुछ। ध्यान दीजिएगा निशित सर, धर्मेंद्र जी, जब भी आप एड को बनाए ना, विजय जी, सुजीत जी, ध्यान दीजिएगा, जब आप एड को बनाए तो यहां पर क्वेश्चन डालिए या फिर आप यहाँ पे ऐसा कोई पैरामीटर पूछिए यूजर से जिससे वो इंटरेस्ट लेके उस चीज को लाइक कर ले। आपको पेज के लाइक बढ़ाने हैं अभी, या फिर अगर किसी पॉलिटिशियन के लिए चला रहे हैं तो उस पॉलिटिशियन के बारे में कुछ डाल दीजिए। यूजर सबसे ज्यादा इस फोटो को देख के और इस लाइन को देख के पेज को लाइक करता है। आपने खुद अपना एग्जांपल ले लीजिए सर, खाना खा रहे हैं, फेसबुक का एक स्क्रॉल कर रहे हैं, एक पेज दिखा, कोई भी एक्ट्रेस एक्ट्रेस के बारे में कुछ भी है उस पर लिखा हुआ है, डू यू वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विद अस, आपने लाइक दबा दिया और नीचे दोबारा स्वाइप करते चले जा रहे हैं। यही तो होता है, जो एड चला रहा है उसको लाइक मिल गया, लेकिन जिसकी पिक्चर अच्छी नहीं है, जिसका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, कंटेंट ऊपर नहीं लिखा, कौन देखता है सर? दोबारा स्क्रॉल कर देता है, चाहे IBM का ही एड हो, कौन देखता है? ये जो पिक्चर बनी हुई है ये कैसे बनाते हैं इसको सर? ये जो पिक्चर बनी हुई है, यस सर, सर ये फोटोशॉप में बनी हुई है। ओके ओके, चलिए यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, अपने बिलिंग को ऐड करेंगे एंड यू आर डन। सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी स्टेप है। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा अपने इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा, और विजय जी आप आज रात में पेज लाइक पे फेसबुक एड मैनेजर से चला के देखिएगा सुबह कितने पैसे खर्च होते हैं और कितनी लाइक्स आती हैं। कैपिंग जरूर रखिएगा 0.20 पैसा जी, बिल्कुल सर, है ना? मेरा टारगेट ये है, मैं शर्तिया कहता हूं, मेरा टारगेट सिंपल सा ये है कि आप अगर 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपके सामने जो लाइक्स आएंगी वो नॉट लेस देन 500-600 लाइक्स आपके पास फॉर श्योर हैं, कहीं नहीं गए हैं सर आप। और अगर आप बात कर रहे हैं सर 0.2 पैसा की कैपिंग की, तो आप देख लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो फेसबुक पेज लाइक बढ़ा ही नहीं सकता। आपने 1000 रुपए लगाए, लॉजिक सोचेगा निश्चित सर, आपने लगाए 1000 रुपए, आपने फेसबुक को कहा कि मैं 1000 रुपए आपको दूंगा पूरे बजट के लिए, और आपने कैपिंग रख दी 0.20 पैसा कि इससे ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं पर लाइक का, और आपने एक और लिमिट रख दी कि जब तक मेरा पेज लाइक नहीं होगा तब तक मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इसका मतलब आपकी पर लाइक 0.20 पैसा से ऊपर जा ही नहीं सकती, है ना? कैलकुलेट कर लीजिए सर, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है सर, 0.20 मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दूं सर, 1000 रुपए? जी सर बिल्कुल, 5000 क्या हुआ सर? ये 200 सर, 5000 हुआ, मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी थी सर। चलिए 5000 लाइक हो गया सर, तो 5000 लाइक 1000 रुपए में सर, विजय जी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें? नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, और मेरे को जो मिले थे 150 लाइक मिले थे सर, 1000 में, क्योंकि आपने इंप्रेशन पे ऐड चलाया जी, वो मैंने डायरेक्ट कर चलाया था जहाँ से आप बाहर से जो प्रमोट कर रहे थे ना पेज पे, वही चीज है। जब आप एडवर्ड सीखेंगे ना तो गूगल एडवर्ड्स ने भी यही दिमाग लगा रखा है, वहाँ 3 अकाउंट्स हैं, एक्सप्रेस अकाउंट, अगर आप एक्सप्रेस अकाउंट के चक्कर में पड़ गए
बस फिर आप समझ लीजिए कि सर फिर आप पैसा लेके बैठे हैं टेबल पे और गूगल फिर आपके सामने बैठा और खाए चले जा रहा है जी। वही हेड मैनेजर पे आया था मैं बट समझ में कुछ नहीं आया था यहाँ पे, अभी के बाद जरूर समझ आ जाएगा। मैं सेशन को यहीं तक रोकता हूँ। फेसबुक में इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं जो मैंने प्रोफाइलिंग आपको बताई है। आप लोग अपना पेज क्रिएट करके देखिए, अपने एड्स को एग्जीक्यूट करके देखिए, ज्यादा पैसा लगना नहीं है सुजीत सर, 300-400 रुपए लगा के देखिए क्या आपके ब्रांड पे वैल्यू लेके आता है वो। जैसे कल से मैं आपको बताऊंगा इधर कितने लाइक हो गए मेरे पेज। बिल्कुल सर, 100% करके देखें सर, तभी मजा आएगा। चलिए बाकी जितने लोग सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं नए वाले बैच के लिए, मैं सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। इस बैच का सेशन मैं यहीं तक रोकता हूं।